नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम चैम्बासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को चैम्बासा आएंगे। यहां कोल्हान प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेला में विभिन्न कौशल विकास केंद्रों से प्रशिक्षित 9000 युवाओं के बीच ऑफर लेटर का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चैम्बासा में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से आयोजित कोल्हान प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेला में कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिले के सैकड़ों युवाओं को ऑफर लेटर वितरण करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन जुटा हुआ है। आज कोल्हान प्रमंडल की आयुक्त मनोज कुमार और पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कार्यक्रम स्थल टाटा कॉलेज मैदान में तैयारियों का जायजा लिया। पदाधिकारी को तैयारी के विषय में कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अपराह्न 1 बजे से आयोजित इस कार्यक्रम में कई मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे। लोग टाटा कॉलेज में उपस्थित हैं। यहाँ पर कल सीएम सर का आगमन होने वाला है और यहाँ पर रोजगार मेला के तहत, प्रमंडलीय रोजगार मेला के तहत ऑफर लेटर वितरण किया जाएगा। अभी सभी मजिस्ट्रेट्स और पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग की जाएगी और कार्य, हमारा पूरा प्रोग्राम कुशल मंगल तरीके से हो और सभी लोगों को ऑफर लेटर दिया जाए, यही हम लोग का ध्येय है। सर, ये प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम है? प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है। कितने लोग को सर आने का इसमें सब देना है? इसमें मुझे लगता है कि 15,000 से ऊपर लोग आएंगे और ऑफर लेटर भी जो है वो विभाग के स्तर से संख्या निर्धारित है, जिन सभी लोगों को दिया जाएगा और इसमें सरायकेला, जमशेदपुर और चाईबासा तीनों जिलों के लोगों को ऑफर लेटर। पश्चिमी सिंहभूम जिला के दूर दराज स्थित ग्रामीण क्षेत्रों की जनता तक योजनाओं के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से हाईटेक तरीके से योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। टाटा कॉलेज मैदान से कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त मनोज कुमार, पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल, सहायक समाहर्ता श्रुति राजलक्ष्मी ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता वाहन की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता प्रचार प्रसार की नई तकनीक वर्चुअल रियलिटी की मदद से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस वाहन से आम लोगों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, किसान पाठशाला, किसान क्रेडिट कार्ड, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, पोटो हो खेल मैदान, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, सर्वजन पेंशन, छात्रवृत्ति और राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर, सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशींद्र कुमार बड़ाइक, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सतेंद्र कुमार महतो और नजारत शाखा के प्रभारी पदाधिकारी जयंत रंजन मौजूद थे। 10वीं सोची ससाकी मेमोरियल JKAI ऑल इंडिया मास्टर कराटे चैंपियनशिप और राष्ट्र स्तरीय कराटे प्रशिक्षण शिविर सतारा महाराष्ट्र के आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के बैडमिंटन हॉल में आयोजित हुआ। इस मास्टर कराटे चैंपियनशिप एवं कराटे प्रशिक्षण शिविर में JKAI झारखंड के मुख्य कराटे प्रशिक्षक और अध्यक्ष सेंसाई पंकज कुमार सिंह, ब्लैक बेल्ट छठी डॉन जापान और सेंसाई डॉक्टर अमरेश अनीस, ब्लैक बेल्ट तृतीय डॉन जापान ने भाग लिया और झारखंड के लिए 4 पदकों पर कब्जा जमाया। इसमें सेंसाई पंकज कुमार सिंह ने 40 से 50 आयु वर्ग के काता एवं कुमिते दोनों वर्ग में 2 स्वर्ण पदक जीता एवं 50 से 55 आयु वर्ग के काता एवं कुमिते वर्ग में सेंसाई डॉक्टर अमरेश अनीश ने झारखंड के लिए 2 रजत पदक प्राप्त किए। इस चैंपियनशिप के दौरान राष्ट्र स्तरीय कराटे प्रशिक्षण शिविर को जापान से आए हुए ग्रैंड मास्टर सिहान टाकुया तानियामा, ब्लैक बेल्ट 7वीं डॉन जापान एवं JKA इंडिया के टेक्निकल डायरेक्टर और मुख्य कराटे प्रशिक्षक सिहान आनंद रत्ना द्वारा संचालित किया गया।
खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चैबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में FS टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारे और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। आया आया नीलम शुभ स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। कोल्हान के बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध पश्चिमी सिंहभूम के महादेव साल धाम में संक्रांति के मौके पर कीर्तन मंडली द्वारा अखंड हरि संकीर्तन किया गया। क्षेत्र के विभिन्न कीर्तन मंडलियों के द्वारा 24 घंटे का अखंड हरि संकीर्तन किया गया। मौके पर क्षेत्र के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक भी पहुंचे। उन्होंने भी कीर्तन मंडली के साथ ढोलक बजाते हुए घंटों तक हरि नाम का जाप किया। महादेव शाल धाम में 24 घंटे तक अखंड हरि नाम गूंजता रहा। महादेव साल सेवा समिति द्वारा मौके पर कीर्तन मंडली के सदस्यों और मंदिर के पुजारियों को सम्मानित किया गया। स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन ऑफ वेस्ट सिंहभूम की ओर से 19 और 20 अगस्त को जिला स्तरीय कराटे चैंपियनशिप 2023 का संत जेवियर्स कल्याण केंद्र चैबासा में आयोजन किया जाएगा। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम चैबासा की अदालत ने पोक्सो एक्ट के आरोपी चोकरो तियू को 22 साल की सजा और ₹10,000 जुर्माना की सजा सुनाई है। मुफसिल थाना के बारीजोल गांव निवासी चोकरो तियू पर 6 नवंबर 2021 को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज कराया गया था। चोकरो पर दर्ज मामले में बताया गया था कि 2 नवंबर 2021 की दोपहर आरोपी ने नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया था। अदालत को पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को सजा सुनाई गई। चायबासा के विधायक दीपक बिरवा के प्रयास से हाटगमरिया प्रखंड के दामोदर गांव में खराब पड़े ट्रांसफार्मर को बदला गया। दामोदरपुर का ट्रांसफार्मर खराब होने से ग्रामीणों को बारिश के मौसम में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। विधायक को जानकारी मिलने पर विद्युत विभाग के द्वारा गांव में ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चैबासा स्थित जिला मत्स्य कार्यालय परिसर में मझगांव के विधायक नीरल पूर्ति ने प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों के बीच स्पॉन और मत्स्य जाल का वितरण किया। इस मौके पर विधायक ने मत्स्य बीज उत्पादकों को नियमित रोजगार से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान 160 लाख स्पॉन, मत्स्य बीज, आहार और जाल उत्पादकों को उपलब्ध कराया गया। विदित हो कि मत्स्य कार्यालय द्वारा संचालित योजना के तहत बरसाती मौसम के दौरान मत्स्य बीज उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए यह सामग्री प्रदान की जाती है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।